नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो में हम जो है काजू बादाम की कुकीज़ बनाएंगे। तो इसको बनाना बहुत ही आसान है और ये बच्चों को बहुत ही पसंद आती है। और यह आप जो है उनको टिफिन बॉक्स में दे सकते हैं। उसको बनाने के लिए यहाँ पे हमने एक बड़ा कटोरा जितना मैदा लिया है और हमने आधे ही जो है काजू को काट के ऐसे ले लिया है और बादाम जो है आधे कप जितनी आधे कटोरे जितना जो है उसको हमने पीस लिया है। बारीक बहुत पीसने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि नहीं तो फिर उसमें से तेल निकलने लगेगा। उसके अलावा 5-6 इलायची को कूट लिया है और यहाँ पे हमने आधे कटोरे से ज़्यादा जो है चीनी ली है पीसी हुई। आप चाहे अगर मीठा ज़्यादा खाते हैं तो ज़्यादा भी डाल सकते हैं और उसमें सेम अमाउंट में या तो उससे थोड़ा ज़्यादा हम बटर है उसको मेल्ट करके ले लेंगे। और उसके अलावा यहाँ पर हमने 1 चम्मच जितना बेकिंग पाउडर लिया है और घी लेंगे ग्रीस करने के लिए। और यहाँ पे जो है हमने एक बर्तन लिया है, ये ढोकला बनाने के लिए काम लगता है। आप इसको कुकर में या तो कढ़ाई में किसी चीज़ में भी कर सकते हैं। और उसके तले पे हमने जो है ये नमक डाल दिया। एक्चुअली में नमक काला हो गया है बट एक्चुअली में सफ़ेद ही होता है, पर हमने 5-6 बार यूज़ किया है तो ये काला हो चुका है। और उसके अंदर इस तरह से जाली स्टैंड रख के उसके ऊपर एक थाली रख देंगे जिसके अंदर कुकीज़ होगी। और उसके अलावा यहाँ पर हमने ये छन्नी ले लिया है, इससे हम मैदा और बेकिंग पाउडर को छानेंगे और उससे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो बस इसको बनाने के लिए इतनी चीज़ें चाहिए यहाँ पे। तो देखते हैं इसको कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले जो है मैदा डाल देंगे इसके अंदर और बेकिंग पाउडर जो है उसको डाल देंगे। इसको हम इस तरह से छान लेंगे। अच्छे से मिक्स हो जाए और इसको हम साइड में रख देते हैं। एक और बर्तन ले लेते हैं, इसके अंदर हमारी जो पीसी हुई चीनी है उसको डाल देंगे। मेल्टेड बटर डालेंगे यहाँ पे। बटर और चीनी ऑलमोस्ट हम सेम मात्रा में लेंगे, एक सौ की मात्रा में लेंगे। इसको जो है मिक्स करेंगे फ्लफी होने तक। और इसके अंदर जो है बादाम का पाउडर हम थोड़ा थोड़ा करके डाल देंगे, अच्छे से मिक्स कर लेंगे। बादाम जो है बहुत महंगी आती है तो एक भी दाने को जाने नहीं देंगे, वेस्ट नहीं करेंगे बादाम का। इलायची पाउडर जो है उसको भी मिक्स कर देते हैं। और कटे हुए काजू है यहाँ पे, मैदा हम डालेंगे थोड़ा थोड़ा करके, इसको अच्छे से मिक्स करते रहेंगे।
तो इसको जो इसका हमें डो बनाना है, जैसे हम पूरी का या तो पराठे का बनाते हैं, उसे थोड़ा सा थिक हो सके तो थोड़ा सा बड़ा बर्तन लीजिए, तो आपको थोड़ी आसानी रहेगी। काफी जो है ठीक हो रहा है।
और जो है आपको हाथ का यूज़ करके इसको अच्छे से भूनना होगा, तो मसलना होगा, एक कंसिस्टेंसी जैसा आपको बनाना पड़ेगा इसको। हमको जो है इसको इस तरह से ठीक रखना है जिससे कि इसको हम मेल सके, और फिर इसको जो है ये कुकी कटर से काट के उसको हम कुकीज़ बनाएंगे। यहाँ पे एक चीज़ हम भूल गए थे कि इसको हमारा ये बर्तन है जिसमें हमने नमक डाल के रखा है उसको हमको प्रीहीट करना पड़ेगा, जैसे आप ऑयल को प्रीहीट करते हैं, जिससे कि जो है कुकीज़ फटाफट बन जाती है। इसको हम ढक के जो है आधे घंटे तक प्रीहीट करेंगे, और तब तक जो है कुकीज़ बना लेते हैं, कुकीज़ को शेप में काट लेते हैं। यहाँ से हमने थाली ले ली है, और ये जो शेप है हमारा, तो इस शेप को हम पूरे पूरे शेप के अंदर जो है कुकीज़ नहीं भरे जब ये जो है डो हमारा, तो यहाँ पे इसको आप बेल के जो रोटी जैसा बड़ा थिक पराठा जैसा बनेगा उसको फिर कुकी कटर से आप काट सकते हैं, और अदरवाइज़ जो है कुकीज़ के अंदर सॉरी ये शेप के अंदर आप ये इस तरह से डो है उसको भर दीजिए, पर इसको हमको पूरा नहीं भरना है, आधा ही भरना है, क्योंकि नहीं तो जो है कुकीज़ आप देख सकते हैं बहुत ठीक हो जाएगी, और ये जब फूलेगी तो उसका शेप जो है वो ख़राब हो जाएगा, तो हमको जो है पतला पतला ही इसको रखना है। तो हम जो है थोड़ा सा इसके अंदर डो डाल देंगे और उसको अच्छे से बिछा देंगे और उसको अच्छे से प्रेस कर देंगे जिससे कि वो शेप के अंदर ढल जाए। ये मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आप जब ये इसको बेलेंगे इसके अंदर बहुत सारा बटर है, तो आपका जो चकला बेलन है उस पर बहुत सारा बटर निकले लग जाएगा, और सभी बर्तन फिर आपको ही धोने हैं, तो इसे तो अच्छा है कि इस तरीके से आप करेंगे तो काफ़ी बेहतर रहेगा। और यहाँ पे कि बादाम का टुकड़ा है वो शेक के लिए यहाँ पे गार्निशिंग के लिए लगा देते हैं, इस शेक के ऊपर आप देख सकते हैं इस तरीके से हम पतले पतले जो है बिस्किट तो इस शेक के अंदर हम मोल्ड करेंगे, थोड़ा सा हम बीच में जगह रखेंगे क्योंकि तो फूलने के बाद जो है थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, तो अगर आप जगह नहीं रखेंगे तो एक दूसरे के साथ चिपक जाएगा और शेक जो है आपका ख़राब हो जाएगा। एक और बना लेते हैं, इसके अंदर भी हम
बादाम को जो है इस तरीके से प्रेस कर देंगे थोड़ा सा। तो ये हमारी और एक कुकी बन गई। तो इस तरीके से जो है सभी डो की हम कुकीज़ बना लेते हैं, रेडी कर लेते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे कुकीज़ को हमने शेप में काट के इसमें रख दिया है, दो थाली के अंदर। और यहाँ पे हमारा जो बर्तन है वो भी प्री हीट हो चुका है, तो इसको जो है हम शिफ्ट कर लेंगे ये वाला गैस पे। इसको बंद कर देते हैं, फिर इसको यहाँ पे शिफ्ट कर लेंगे। बर्तन को हमने शिफ्ट कर लिया है और इसको हमने 15 से 20 मिनट तक प्रीहीट किया था, तो संभाल के सावधानी से इसका ढक्कन खोलें क्योंकि तो बहुत ही गर्म हो चुका है। अब जो है ये वाला जाली स्टैंड हम अंदर रख देते हैं, सावधानी से नीडल में रखेंगे। और हमारी थाली को जो है वो भी हम सावधानी से अंदर रख देते हैं। ध्यान रखें कि बहुत बड़ी थाली जो है इसके अंदर ना रखें, नहीं तो निकालते समय कोई दिक्कत आएगी। और उसके बाद इसके अंदर जो है दो स्टेप के ये स्टीमर है, मतलब ये इसके अंदर दो स्टेप स्टेज पे हम रख सकते हैं चीज़ें, जिस पर रख सकते हैं। तो इसको डिवाइड करने के लिए यहाँ पे आता है, और इसके अंदर हम यहाँ पर और थाली रख देते हैं। तो इसका ढक्कन बंद कर देते हैं। ढक्कन जो है अभी भी गर्म होता है, तो इसको भी हम सावधानी से ऐसे लगाएंगे। और अब जो है गैस को चालू कर देते हैं। मीडियम फ्लेम पे, मीडियम गैस की फ्लेम पे इसको जो है हम 15 से 20 मिनट तक पकाएंगे, और बीच में एक बार चेक कर लेंगे। और ऊपर की जो थाली है वो शायद थोड़ी सी उसको हीट कम मिलेगी, तो नीचे की जब कुकीज़ पक जाएगी तो उसको हम नीचे रख देंगे, और नीचे वाले कुकीज़ जो है उसको हम निकाल लेंगे। तो 15 से 20 मिनट बाद हम एक बार चेक कर लेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारी कुकीज़ जो है बेक होके तैयार हो चुकी है। इसको जो है हमने बर्तन में से निकाल लिया और उसको थोड़ी देर ठंडा होने देंगे, और उसके बाद इसको निकाल के सर्विंग प्लेट में रखेंगे और थोड़ी देर के बाद इसको चेक करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारी जो कुकीज़ है उसको हमने सर्विंग प्लेट में निकाल लिया है। तो बेहतरीन, बहुत ही बेहतरीन कुकीज़ बनी है। आप देख सकते हैं नीचे से एकदम मस्त ब्राउनिश हो गई है, ऊपर से एकदम वाइटिश है, तो डबल शेड जैसा हो गया है। तो बच्चों को ये बहुत ही पसंद आता है और उसको खाने में भी ज़्यादा इंटरेस्ट लगता है। और इसके ऊपर जो आप टूटी फूटी भी लगा सकते हैं बादाम के शेप, बादाम को भी उसके पीसीस लगा सकते हैं, जिस तरह का आपको इसको डेकोरेट करना है उस तरीके से कर सकते हैं। और इसको जो है अपना पेट डब्बे में भर के 1 महीने तक खा सकते हैं आराम से। और इसको आप बच्चों को लंच बॉक्स पर दे सकते हैं, या तो आप पिकनिक पर जा रहे हो तो उसको साथ में लेके जा सकते हैं, मेहमान जब आते हैं दिवाली पर तो उसको दे सकते हैं न्यू ईयर पर। तो इसको बनाना बहुत ही आसान है, अंदाजी जो है 40 मिनट के अंदर ये बन जाता है। इसको आप ज़रूर ट्राई करें।